हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में। आज इंट्रो में दिख रहा कौन है? सवेरे सवेरे उठ गया महाराज, हंस रहा भी नहीं है। जान दराज की दिखाओ, ये डिंपल तो बताते, ये काल के डिंपल बता मेरे गाइस को। अरे वाह, तो चलो मिलते हैं आगे सही टाइम और बाकी की भागम दौड़ी में। तो बाय बाय, किसे कर रहा है? बाय, आगे मिलते हैं ना। तो गाइस यहाँ पे चाय बन रही, क्योंकि अपने पास दो ही चूल्हा है, लेट हो रहा है। और यहाँ पर मैंने चावल को दम पे रख दिया, आप देख सकते हो। और अपने उदय भाई कब से जाके आप सो रहे भाई? ब्रश कर लो, मेहरबानी हो जाएंगी आपकी। सो रहे, सबको उठाना, क्योंकि अभी तक सहरी बाकी है। सब गरम करके नीचे रखी हूँ। और जो पहले मैंने अपने वक्त बचाने के लिए मैंने बनाई थी ना रोटियाँ, इसमें ही रखी है गाइस। सारी रोटियाँ माशाल्लाह वैसी की वैसी है और एकदम सॉफ्ट है, और एकदम बनती हुई एकदम सॉफ्ट ही है। एक हाथ से ना कैमरा पकड़ के नहीं होता है। पहले से बोल चुकी हूँ, हो गया हो गया हो गया, ठीक है यार। तब देखते हैं, बिस्मिल्लाह। एकदम जैसे बनी है ना वैसे बन जाती है। आपको सही ऊपर दूँ, पागल हो गए ला है मुझे, सही ऊपर दो पलंग से। वाह वाह, आ जा नीचे, मस्का लगाओ पाव को। आओ नीचे, ठंडी लग रहा है, वहाँ का फैन बंद कर दो, यहाँ आ जाओ। हो गया, 4:30 बजे आ गए तुम, अभी तक लेट करेंगे तो कैसा चलेगा। जल्दी जल्दी ये सब निपटा के, क्योंकि चाय भी अभी पकनी बाकी है। तो यहाँ पे सहरी आ गई है नीचे, आप देख सकते हो। लग गए हैं मेरे जिदान और उसके अबू की सहरी टाइम कंप्लीट करने के लिए। और ये दही फिर से आ गया है, ये दही नहीं था तो अच्छा ही नहीं लग रहा था खाने के लिए। तो चलो मिलते हैं यहाँ पे। रोटी मैंने कहा ना एकदम सॉफ्ट हो जाती है, ऐसा लग रहा ही नहीं कि पहले की बनी हुई रोटी है। तो चलो मिलते हैं सहरी करते हुए, आ जाए कभी सहरी करने के लिए हमारे साथ में। पाव भी है, चाय भी है, रोटी भी है, तो मिलते हैं आगे बच्चों के साथ में। क्योंकि पार्टी चेंज होती, आज ये जल्दी उठा है ना तो आज उसका नाटक है। रोज का तमाशा है लोग दोनों का, सिर्फ एक ही बच्चा अच्छा है जो एक आवाज पे उठता है, इज़िदान। यह बेचारा उठा है, अब जो सोएगा ना स्कूल की एक अलार्म पे उड़ जाएगा, क्योंकि इसके एग्जाम शुरू हो गए। इसकी बकरी अंधी हो जाती है आते तक का। एक दिन जल्दी उठा तो शाना बन जाता है। कौन आया है? शायरी के टाइम खत्म होने के बाद आते हैं। मेहर आई है, पीछे दिख रहा है नाम। चलिए उड़ गया जियान का आवाज आ रहा है, जियान उड़ गया भाई साहब। और अपने उदय मोइन भाई भी लग गए ले अपने काम धंधे पे। काम क्या है? खाना पीना और सोना ना मोइन। रोजा रखने उठे लाए अल्लाह, ए सुकड़े रोजा रखने उठे लाए। जल्दी जा, जल्दी अपनी माँ के पास जा, जल्दी अपने बाप के पास चले जा बेटा। बाई कर दो, बाई बाई कर दो, टाटा। मुंह कितना गंदा बनाया ला दे जियान। ओ जियान, स्माइल ले लो। नहीं, स्माइल में पैसा लगता है ना। भाई अच्छा, भाई कर दो भाई, आ चलो। नहीं तो हो गया है स्नो का खाने का टाइम, और मोइन निकल रहा है अभी, वो लेट हो गया। आज जियान को अभी छोड़ के अब इसके साथ में लगी हूँ। बर्तन घस के हो चुके हैं और कपड़े को लपेटना बाकी है। अब लग जाते हैं गाइस काम पे अपने दिन की भागा दौड़ी के साथ में। और आज बनेगा अपना रगड़ा और उड़द की दाल के भजिए। और क्या क्या चीज़ है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। या तो पानी है गैस क्लीन करने के लिए, और ये भाई सब लोग तो आते ही नहीं रोज़ा खुलने, जब होगे तब बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चलो कंटिन्यू होते हैं अपने ब्लॉग के साथ में। फिर मैं खजूर डाल के ले ली हूँ, क्योंकि उसको लेट हो जाता है ना कभी कभी ऑफिस पर, तो ये वहीं रोज़ा खुल देता है या रास्ते में होता है आने के टाइम पे। अपना पानी और खजूर दोनों चीज़ साथ में लेके जाता है कहीं पे रास्ते में रोज़ा खुलने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट में थोड़ा थोड़ा दूध था, तो मैं गर्म करके ले रही हूँ। वरना क्या अचानक मैं बड़े पैकेट खोल के थोड़ा सा दूध डाल दूँ और ये ख़राब हो गए तो फट जाएगा ना पूरा दूध। इसके लिए रिक्स नहीं लेती हूँ, पहले इसको गर्म करके चेक करती हूँ कि ये फटा तो नहीं है। हाँ फट गया, फट गया, आपको दिख रहा है साइड से, देखें।
अच्छा हो मैंने आधा लीटर दूध के अंदर ये थोड़ा सा दूध नहीं डाली लालच के चक्कर में। देखो पड़ गया है, तो गैस चालू करके फायदा नहीं है, इसको करते हैं फ्लेम को बंद और लग जाते हैं अपने दूसरे काम पे। गाइस यहाँ पे मैंने चिकन उबालने रख दी हूँ क्योंकि अपनी खाने की तैयारी शुरू हो रही है, रोज़ा खोलने की तैयारी की। यहाँ पे इसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने चढ़ा दी हूँ। अब देखते ये उबलता है और इसमें क्या क्या सब्जियाँ जाती है और ये किस में जाता है वो हम आगे कंटिन्यू होते हैं। तो गाइस मैंने सारी सब्जियाँ फ्रिज में से निकाल के रख दी थी, फ्रीज़र में से, आपको पता था ना मैंने पहले ही कट करा के रख दी थी सब चीज़। थोड़ी सी शिमला मिर्ची ख़त्म हो गई थी और कांदे का पत्ता, तो मैंने वो पहले से कट करके ले लिया। अब ये अपने पसीना छोड़ेगा, मतलब अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद मैं प्रिपरेशन बताती हूँ कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। गाइस यहाँ पे अपनी चटनी की तैयारी हो गई है शुरू, आप देख सकते हो मैंने यहाँ सेंग की चटनी बनानी है। तो सेंग को मैंने भून के ले लिया है, ये तो अभी ऊपर से मिर्ची और लहसुन डाली हूँ वरना मैं भूल जाती हूँ इस वजह से। तो चलो मिलते हैं आगे अपनी चटनी के साथ, आज सेंग की चटनी के साथ इंजॉय करते हैं। और आज एक दूसरी चटनी भी बनाऊँगी जो बच्चे बोल रहे कि मम्मी वो बना दो, तो आज वो भी बताऊँगी आपको। गाइस मेरी रगड़ा बनाने की तैयारी हो गई है शुरू, यहाँ पर इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी और थोड़ा अदरक लहसुन मिर्ची, जीरे का पेस्ट और इसमें जाएगा थोड़ा सा चने का आटा जिससे ना झटपट अपना वटाना गल जाता है। बहुत थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, इससे ना वटाना जल्दी गल जाता है, गैस भी ज़्यादा नहीं जाता है। ये वाला ट्रिक आप यूज़ करना, देखो झटपट गलेगा और फटफट गलेगा। तो इसको चढ़ाते और तैयारी करते अपनी रगड़ी की। तो यहाँ पर हमने वटाने उबालने रख चुके हैं, अभी 3 सीटी आए तक मैं इसको उबाल लूँगी, उसके बाद कर दूँगी गैस बंद। तो गाइस यहाँ पे मैंने दूध उबालने रख दिया है, इतने दिनों से मैंने शरबत नहीं बनाई थी तो आज सोच रही हूँ शरबत बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ा भिगो के रखा है और यहाँ पे दूध मेरा उबल रहा है, उबलने की तैयारी में ही है। तो इसमें अभी मैं शक्कर डाल के इसको उबालूँगी, तो मिलते हैं अपने शरबत के साथ में। चटनी हो गई है अपनी रेडी, इसमें पुदीना नहीं डाला हुआ है क्योंकि आज रामू आया तो उसके पास पुदीना नहीं था, तो मैंने बोली डायरेक्टली चलो ऐसे ही बना देते सेंग और इमली की चटनी। तो आए कभी खाने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो दूध उबलने की एकदम तैयारी में है क्योंकि इससे नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाता है। इसके लिए चलिए इसे फ्लेम करते हैं एकदम स्लो और थोड़ा सा इसे स्लो पे पकने देते हैं क्योंकि मुझे आधा दूध कस्टर्ड के लिए भी निकालना है और आधे दूध का शरबत बनाना है। कस्टर्ड तो थोड़ा ही बनाऊंगी बच्चों के लिए, मीठा उन लोगों को रात में लगता है कि रहते नहीं हैं, वो लोग आते ही लेट है। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्ज़ा भिगो के रखी हूँ शरबत के लिए और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ जेली भी डालू बनाती इसमें शरबत में, देखो ट्राई करते। तो गाइस यहाँ पे दूध देखो उबल रहा है बहुत अच्छे से, अब मैं इसमें डालती हूँ कस्टर्ड, मैंने कब से भिगो के रखा था, मतलब कला के रखा था, बिस्मिल्लाह। और नीचे कांदे वाले की आवाज़ आ रही है कि 5 किलो डालते साथ ही मस्त वाला गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड। ओहो, इसमें थोड़ा सा मिल्क मिर्च जाएगा और टेस्टी हो जाएगा, मिल्क मिर्च जाएगा ना और टेस्टी हो जाएगा ये। और घर में भी ऐसा कस्टर्ड हम बना सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर, किसी ने ज़रूर बताऊँगी मैं आपको क्योंकि आज मुझे ज़रा ज़्यादा ही काम है कस्टर्ड पाउडर बनाते हुए, घर में बना के किस तरह स्टोर करके कस्टर्ड पाउडर रख सकते हो वो जरूर बताऊंगी आपको। तो गाइस देखो यहाँ पे ना अब मैं इसमें फ्रूट डालूंगी कट करके, तो आपको मिलती हूँ फ्रूट डाल के कस्टर्ड बना हुआ दिखा दे। अब ये ठंडा हो गया है शरबत, अब इसको रखते हैं फ्रिज में, इसमें डालूंगी थोड़ा रू अफज़ा और कलिंगर जाएगा और देखती हूँ और क्या क्या डाल सकती हूँ इसमें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। गाइस आ गए हम फिर से किचन के पास, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा चढ़कर तो करेगा ही क्योंकि मुझे चिकन मैंने पहले बॉईल करके ले लिया था आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने कट करके पहले से निकाल के रख दी हूँ और इस तरह ये अच्छे से बर्फ छोड़ दें। क्या कर 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 रहा है, क्या मस्त खुशबू आ रही है रमजान में, यही सब चीज़ें खुशबू आए तो उठे रहने का, इसमें डर सारी सब्जियाँ इसमें डर चुकी है
एक हाथ से तो आप लोगों को पता है कि एक हाथ कैमरे पे होगा और एक हाथ यहाँ पे चम्मच के साथ होती थी। तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा चॉप करूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हम डाल देते हैं अभी अपना चिकन, आप देख सकते हो इसको अच्छे से मिलाना है, बस ज़्यादा नहीं से नहीं होनी भी जाएगा, मेरा शेजवान चटनी जाएगी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा आज का जो चीज़ें बना रही हूँ ना। और इसमें अच्छा आएगा ब्लैक सोया सॉस, ज़्यादा नहीं फ्राई कर लीजिए, और ग्रीन चिली, इसमें नमक नहीं जाएगा क्योंकि नमक ना हर ये सोया सॉस वगैरह में सब में था और मैंने चिकन उबालने में डाली थी, इस वजह से मैं नमक इसमें नहीं डालूंगी। बाद में देखेंगे रोज़ा खोलने के बाद अगर ऐसा लगा तो अपनी चटनी में हम नमक थोड़ा ज़्यादा कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब मिलते हैं आपको इसकी पूरी तैयारी के साथ में, ज़रा मैं अच्छे से मिला दूँ उसके बाद। गाइस यहाँ से जैसी ही मुड़ी वैसा देखो पूरा सॉस मेरे आंग पे नीचे पूरा कपड़े पे गिर गया। तो अभी धो के आई हूँ, अब करती हूँ कपड़े को चेंज, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूरा काम बढ़ गया ना मेरा, मिक्सी थी यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दी, बस यहाँ से ऐसा टर्न करी कि पूरा सत्या हो गया, अच्छा खासा गिर गया। चलो मिलते हैं आगे पकाने की तैयारी के साथ में, क्योंकि अभी चेंज करना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया है, धो के ऐसे निकली हूँ तो पर पानी पानी। तो मिलती हूँ आगे आपसे चेंज करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे अपने उड़द की दाल की भजी की तैयारी हो गई है, मैंने मिक्सी में पीस के ले ली हूँ, और यहाँ पे हम अपनी दूसरी चटनी पीसने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो बच्चों को ये वाली चटनी, में बस ज़बान में खून लग गया वैसा वाला हो गया, उसने बनाई थी ना बहुत अच्छा लगा, तो मम्मी फिर से बनाओ, तो बनाओगे अब इसमें जाएगी चने की दाल। तो मिलती हूँ आगे आपसे राई और कड़ी पत्ते का बघार दे के चने की दाल डाल के। चलो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अपना तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे मैं चने की दाल और कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी राई जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन, बस इसको हल्का सा लाल करते हैं डालते हैं इसमें चेरी टमाटर। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी हूँ, मैंने हरी मिर्ची निकाल दी हूँ, तो किस तरह मस्त वाला भुने गए हैं। अब इसमें बिस्मिल्लाह करके डालते हैं चेरी टमाटो, सारे चेरी टमाटो हमने डाल दिए, हल्का सा भुनना है और स्लो फ्लेम पे रख देना। तो गाइस इसमें थोड़ा नमक डाल के मैंने आधा गिलास पानी डाल के रख दी हूँ, तो ये अच्छे से थोड़ा पक जाएगा, फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो थोड़ा ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा गैस का फ्लेम पास करती हूँ और फिर आगे चटनी पीसते हुए। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन का थोड़ा सा बैटर, और यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दिया इसमें, और अब बंद बंद हो गया भैया, मैंने कब से बना के रखा हुआ था, चीज़ निकालना मैं भूल गई, इसको करते हैं आगे आपसे। यहाँ पे चटनी की अपनी तैयारी हो गई है, देखो पूरी और फोन आ रहा है लगता है, जिदान फोन उठा। तो ये तैयारी के साथ में मैं लग गई हूँ, और यहाँ पे अपन करते हैं बंद और शुरू करते हैं अपना मिक्सी। तो गाइस अगर चटनी हो गई रेडी, अगर आपको चाहिए थोड़ा पतला भी कर सकते हैं पानी डाल के, पर नमक चखना पड़ेगा, अभी तो रोज़ा है हम नहीं चख सकते, रोज़ा खोलने के बाद देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गई अपनी तैयारी, कबाब को मैंने चीज़ लगा के रख दी थी, आप देखो अब मैं जब कॉर्नफ्लोर में डाल के अब लगाऊँगी ब्रेड क्रम्स, मस्त पहला हो गया है डन, अब मिलते हैं ऐसी सभी को डन करते हुए। गाइस यहाँ पे देखो सारे मेरे कटलेट हो गए तैयार, मैं अब इसको रख देती हूँ ऊपर उठा के। तो यहाँ पे पूरी मेरी तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे जरा मैंने अच्छा खासा चीज डाली हूँ और मेयोनीज डाली हूँ, और यहाँ पे बैटर तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि मैं इस मेरी बची हुई समोसे की पट्टी और रोल की पट्टी निकाल के रखी हूँ, अब बनाते हैं समोसा और रोल। बैठ गए हैं हम नीचे एकदम अदब से मांडी डाल के, अब मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ में।
तैयारी हो गई है डन, यहाँ पे रख दी मैंने बना के, पूरी तैयारी हो गई। अब सिर्फ मेरे बच्चे कांदे की भजिए की तैयारी, यहाँ ये दोनों चीज़ें तैयार है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बनाई थी, चिकन कटलेट, वो पर रखी हूँ। और चलो बनाते हैं आगे अपने कांदे के भजिए। यहाँ पर मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल चुकी है, अब चाहेगा काजू बादाम। और अब इसके अब्बू गए हैं मार्केट, शायद बोल रहे थे बाहर गए थे, बाहर से आए मार्केट गए हैं, तो वहाँ से अभी लाएंगे तो कलिंगड़ इसमें काट के डालेंगे। हाँ, जिदान कलिंगड़ डालेंगे इसमें, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और कितना डालो, पूरा बाहर गिरा दिया इसको ना, रोज़ा लग गया था पर अच्छा हुआ। गई थी शब्बू लाने के लिए बच्चे लोग को, तो रिक्शे में लेके आई इन लोगों को। अरे बाप रे, तू तो पूरा काजू बादाम का डब्बा खाली कर देगा आज। आस्ते 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 आस्ते, तो अपना डब्बा निकालो, जरा इसमें डालो जूस, जूस के डब्बे में इसको केन के अंदर। सिदान चलो चलो हटो हटो। गाइस यहाँ पे मैंने चिकन चढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने प्याज डाल करके चिकन के पीसेस डाल दी हूँ, हल्दी नमक और थोड़ा गर्म मसाला डाल के पकने रखी हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने जो सभी टमाटर, गर्म मसाला, अरे तो बस टमाटा, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो मैंने फ्रिज में रखा था, और ये धनिया का डंडी और धनिया की पेस्ट को मैंने फ्रीजर में जमा करके रखी थी बना के इसकी, वही मैंने यूज़ किया आज झटपट बनाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो चलो मिलते इसको भून के, आज हर एक सारे का चिकन बनाएंगे। गाइस यहाँ पे भून के हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के इसको रख दी हूँ, एक सीटी आएगा बंद कर दूंगी। और यहाँ पे आ गया अपने रगड़े की तैयारी, आपको बताई थी ना, देखो किस तरह गल चुके हैं, थोड़ा सा बेसन डालेंगे ना झटपट गल जाते। तो मिलते हैं रगड़े के तैयारी के साथ में, क्योंकि इसके लिए प्याज वगैरह भी कट करना है ना, तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस यहाँ पे शरबत के लिए मैं जेली बना रही हूँ, और मैंने गर्म पानी में जेली का पाउडर डाल चुके हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से पका के फिर इसको जमाने रख दूँगी, पका लूँ अच्छे से। बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी की खुशबू थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था जो मैं अपना बयान कर रहे हैं, जेली जली हुई थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। थोड़ा अच्छे से पकने देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको जमाते हुए। गाइस मैंने इस डब्बे के अंदर जेली को पूरा डाल दिया है, अब इसको ठंडा होने देती हूँ, धुआँ बहुत निकल है, बाद में रखती हूँ इसको फ्रिज में, फिर बाद में इसको कट करते हुए आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस मेरी नमाज भी कंप्लीट हो चुकी है, और चलो लग जाते हैं अपने पकाने के काम पे। यहाँ पे अपना तेल भी अच्छा खासा गर्म हो गया है, हम करते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सारे रोल में इसमें डाल देती हूँ एक एक करके, क्योंकि टाइम हो जाएगा अभी झटपट, फिर फ्रूट काटना है, फिर बांटना है, सब रह जाता है बताएं, इसके लिए जली जली करके मिलती हूँ आपसे। तो गाइस रोल तो हो गए कम्प्लीट, अब आ गई चिकन कटलेट की बारी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ तेल में हाथ चला गया, मैंने कैमरे में पता नहीं चलता, हाथ ही तेल तेल देखो डूब गया हाथ, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके तलते, क्योंकि ये पाँच छः छः सात पीसेस ही बने मेरे, मैं ट्राई कर रही थी बनता है कि नहीं, बराबर बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलते आपको इसके निकालने के बाद इसको अच्छे से, अगर मैं थोड़े तेल में भी तलती थी ना बहुत अच्छा ही फ्राई होता था ये, कितना क्रिस्पी लग रहा है, बहुत ही दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, और खाने में भी इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें चीज़ वगैरह सब है, मेयो है, चीज़ है, सारी चीज़ें। घर पे ट्राई करें, बनाएं आप लोग भी गाइस, मज़ा आता है, ऐसा टाइम नहीं मिलता कोई चीज़ बनाने के लिए। रमज़ान में हम बनाते हैं, रोज़ा रख के फास्ट रख के, प्यास से हालत ख़राब होती रहती तो भी हम औरतें गैस के पास खड़े होकर पूरी तैयारी करते हैं, अखा दिन मरते हैं कि क्या करें, क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, तो इज्जत करा करें औरतों की। तो मिलते हैं आगे इसे पूरी फ्राई होने के बाद। तो गाइस देखो उड़द की दाल के भजी मेरे हो गए हैं रेडी, ओहो जनाब का बयान अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, मगरिब तक आज बयान चलेगा जनाब का, रोज़ा खुलने के पहले तक तो करते ही रहते बयान, बच्चे लोग एक एक चीज़ सिखाते रहते हैं, सब बड़े बैठे रहते हैं, अभी रोज़ा खुलने की तैयारी है ना, मस्जिद में सारी चीज़ें कट कुट शुरू हो गए, बच्चे हो गए वहाँ पे, मेरा जिदान भी गया है फ्रूट वगैरह कट करके, रोज़ा खुलने के टाइम पे बच्चे आते हैं,
गाइस देखो किस तरह जा रहा है कलिंगड़ कट होके, जूस तैयार है। और यहाँ पे लेट हो गया इसके अबू चले गए आके वापस फ्रूट देके, अब हम लोगों को हो गया लेट, हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रूट, सब काम आज मुझे ही करना पड़ा है, इसके अबू भाग गए। देखो गाइस चटनी अम्मी डाल रही है, अभी चटनी निकाल रहे हैं, रोज़ा खोल ली है आज हम लोग दोनों, ये रोज़ा खोलेंगे दान और मैं, इसके अब्बू और मोइन बहन भाई। तो गाइस आ जाए रोज़ा खोलने के लिए हमारे साथ में, मैं अमते लुटने के लिए, और यहाँ पे रगड़ा भी है, हमने रगड़ा भी बनाए थे, रगड़ा भी है, सारी चटनियाँ भी है, सब है, पूरा पसारा लेके बैठे, अब रोज़ा खोलेंगे पहले फिर सब करेंगे। यहाँ पे जूस है और पूरा संसार है यहाँ पे, आ जाए आप लोग रोजा करने के लिए साथ में हमारे। तो गाइस देखो किस तरह मुंडी नीचे करके बैठा, सीधा बैठने का ना जिदान, रगड़ा उसका फेवरेट, कितने दिनों के बाद बनाई, पूरा आधे रोजे चले गए उसके बाद मैंने ये सब बनाई हूँ, खट्टा पानी मीठा पानी मैं दे रही हूँ, मीठा पानी तो नहीं ले रहा है, खट्टा पानी मीठा पानी दोनों है, दू पानी पूरी का तिक्का पानी, वही तो दिमाग ज्यादा चलता है ना। तो गाइस दान जा रहा है नमाज पढ़ने और अम्मा को दे देगा वहीं पे जूस, मेरे तो पूरे बर्तन घसी थी और इतने बर्तन और निकले हैं, पूरे बर्तन घस के बैठी थी, घर इतना पसारा लग रहा है ना मेरा, मैं पढ़ रही हूँ नमाज, लड़का चला अभी नमाज पढ़ने, मैं करती हूँ अपनी नमाज कम्प्लीट। गाइस पूरा काम हो चुका है, रोज़ा खोल के हो चुका है, बच्चों के लिए भजिए रख दी हूँ यहाँ पे, पूरा गैस का चूल्हा नीट एंड क्लीन, और इतने सारे बर्तन घसी हूँ देखें, पहले से करते गए तो भी इतना सारा बर्तन निकला। तो गाइस अब तो आ रही है ऐसी नींद, और अभी हुई अजान ईशा की, तो नमाज भी पढ़ना है और थोड़ा सा झोंका ज़रूरी है, तो मैं जो सो के उठती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे, बहुत नींद आ रही है। देखो आ गया ये हमारे मस्ती कर बाबू, हमारे यहाँ से टोपी नहीं पहनता है, और मोइन के यहाँ से बराबर टोपी पहन कर खुश रहता है, मोइन का टोपी है, मेरा टोपी ना मस्त बच्चा ना, तू टोपी पहन जा, कोई नहीं मारे सबको, अबे एक्टिंग कर रहा है, रोता है, अच्छा बच्चा ना पहने का टप्पी है, हे तो बड़ा दांत आ रहे, दो पाउडर लग के सा, अरे